अमेठी को धोखा दिया, जैसे वायनाड को धोखा दिया, वैसे रायबरेली के मतदाताओं को भी धोखा दे रहे हैं। एक गारंटी कार्ड गांव के भोले भाले मतदाताओं के बीच, इस तरह का गारंटी कार्ड कांग्रेस के बाहर से आए 2-3 हजार लोग गांव में जा रहे हैं और इस कार्ड पर मतदाताओं के हस्ताक्षर प्राप्त कर रहे हैं और अपने स्वयं कर रहे हैं। आचार संहिता में ये पूरी तरह से उल्लंघन है, नहीं कर सकते हैं। किसी को लोभ दे करके उसका वोट लेना आचार संहिता का उल्लंघन है। और इनके द्वारा कहा जाता है कि आप हमका वोट दो, मैं 1 लाख रुपए चुनाव बाद आपको सरकार मेरी बनेगी तो आपके घर पहुंच जाएगा। सम्मानित साथियों, आप हमको बताओ, इस आचार संहिता के उल्लंघन में कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी ने किसी मतदाता के हस्ताक्षर प्राप्त किए हैं, एक अनुबंध कर रहा है, एग्रीमेंट कर रहा है, तो ये किसी दशा में उचित नहीं। किसी के हस्ताक्षर प्राप्त करना और लोभ देकर के किसी का हस्ताक्षर प्राप्त करना, ये आचार संहिता का उल्लंघन है। मैं चुनाव आयोग से अपील करूंगा कि ऐसे कृत्य जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा किए जा रहे हैं उसको रोका जाए और इनके विरुद्ध जो भी वैधानिक कार्रवाई हो, मतदाताओं को लोभ देने की अथवा उनके हस्ताक्षर लेने पर जो भी संविधान प्रदत्त दंड हो, वो इनको मिलना चाहिए। क्योंकि ऐसे कृत्यों से निसंदेह चुनाव प्रभावित होता है और चुनाव मेहनत करके, परिश्रम करके, कैंपेन करके जो आदमी नहीं जीत रहा है, वो इस तरह के फंडे अपना रहे हैं। निसंदेह मैं रायबरेली वासियों से अपील करता हूँ, आप जानते हो देश में मोदी जी की सरकार है, आप जानते हो देश में मोदी जी की सरकार फिर बनने जा रही है, तो इस तरह के गारंटी, इनकी गारंटी का कोई मतलब है? जिसकी खुद गारंटी नहीं है कि नामांकन करने के बाद एक दिन रायबरेली आए हैं, हो सकता है एकाध दिन और आए, लेकिन रायबरेली न आना है, न रायबरेली के लोगों से मिलना है, खुद का पता नहीं, खुद की गारंटी नहीं है कि वो कभी अमेठी को अपना घर बताएंगे, फिर वायनाड को घर बताएंगे, फिर रायबरेली को अपना घर बताएंगे। इसकी क्या गारंटी है कि 4 जून के बाद किसी और जिले को अपना घर बताएंगे? तो जिसकी खुद की गारंटी नहीं है, मतदाताओं की जो गारंटी लेता है, ये सर्वथा निरर्थक है। मैं चुनाव आयोग से आग्रह करूंगा, इस पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित हो। आरोप रिटर्निंग अफसर रायबरेली, प्रेक्षक रायबरेली और सीसी चीफ इलेक्शन कमीशन से भी मैं आग्रह आप सबके माध्यम से कि इस पर कार्रवाई हो। देश में जहां जहां ऐसे कृत्य कांग्रेस के लोगों के द्वारा किए गए हैं, जहां जहां गारंटी कार्ड बांटे गए हैं, वहां वहां मुकदमा लिखा गया है। मैं आरओ से, रिटर्निंग अफसर से जरूर अपेक्षा करूंगा कि तत्काल इस पर कार्रवाई हो और इनके खिलाफ, कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई कराई जाए, ऐसा मैं आग्रह करता हूँ। कल राहुल गांधी रायबरेली में थे, उन्होंने कहा मीडिया के सामने, मन सोने लाल थे कि रायबरेली से उनके परिवार का 100 वर्ष पुराना नाता है। 100 वर्ष जिसका पुराना नाता है वो केवल चुनाव में आता है वोट लेने के लिए। हर चुनाव में जब चुनाव होता तभी आता है। अगर नाता होता तो सुख दुख में भी नातेदार को आना चाहिए कि आना नहीं आना चाहिए? अगर सुख दुख में कोई नहीं आता तो नातेदार का मतलब क्या होता है? नातेदार राहुल गांधी जी, आप सुख दुख का नाता तो अमेठी से भी था, सुख दुख का नाता तो रायबरेली से भी था, ये कह के आपने 1952 से 2024 तक रायबरेली के लोगों को बेवकूफ बना करके वोट लिया। सम्मानित साथियों, आप भली भांति जाते हो, 1952 से 2024 तक रायबरेली की माओ की कोख से जन्मे एक किसी बेटे को लोकसभा का टिकट गांधी नेहरू खानदान ने नहीं दिया।
अब आप बताते हो कि हम तो नातेदार हैं, आप कहते हो मैं तो मोहब्बत की दुकान चलाता हूँ। इतनी अच्छी आपकी मोहब्बत की दुकान अगर चल रही होती तो रायबरेली से इतनी नफरत आप क्यों करते हो? 1952 से 2024 तक रायबरेली की माओ की गोद से जन्मे किसी बेटे को आपने लोकसभा का टिकट नहीं दिया, कभी राज्यसभा भी नहीं भेजा। रायबरेली से ताकत लेकर के आप अपने ड्राइवर कंडक्टरों को राज्यसभा भेज दिया, लेकिन रायबरेली के किसी बेटे को आपने राज्यसभा नहीं दिया। राज्यसभा लोकसभा छोड़ दो, आपके सांसद का प्रतिनिधि भी कभी रायबरेली के लोगों को होने नहीं दिया। इतनी नफरत आप रायबरेली के लोगों के बीच रखते हो और पूरे देश में चिल्ला चिल्ला कर गला फाड़ कर कहते हो मैं मोहब्बत की दुकान चलाता हूँ। सम्मानित साथियों, मैं निंदा करता हूँ, रायबरेली गांधी नेहरू खानदान की धरती नहीं, रायबरेली भगवान परशुराम के पिताजी महाचंद्रगिरी की तपोभूमि है। रायबरेली वीरा पासी राणा बेनी माधव बख्शी के शौर्य और पराक्रम की भूमि है और थोड़े दिन में पता चल जाएगा कि रायबरेली किसकी भूमि है। रायबरेली से अब इनका कोई रिश्ता नहीं, क्योंकि इनका रिश्ता स्वार्थ का हमेशा रहा, वोट लिया और चले गए। मुख्यमंत्री जी, ये गांधी परिवार 5 साल में तो गरीबों पर नहीं ध्यान देती है, चुनाव के दौरान आकर के किसी सेविंग की दुकान पे जाकर के दाढ़ी बनवा रहे हैं, ऐसा क्या है? बिल्कुल सही कहे, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं जलेबी का एक टुकड़ा खा लेंगे और कहीं दाढ़ी बनवाने किसी नाई की दुकान पे पहुंच जाएंगे और इसके बाद जैसे चुनाव हो जाएगा फिर 5 स्टार सैलून इनके घर आएगा, फिर कभी दाढ़ी बनवाने के लिए किसी दाऊ को नहीं ढूंढेंगे, फिर 5 स्टार सैलून में इनकी दाढ़ी बनेगी। और हो सकता है इनके परिवार का तो पुराना रिश्ता है, अगर कपड़े धुले जाते थे तो सुना है भारत के धुले कपड़े भी इनके परिवार के लोग नहीं पहनते थे, विदेश से कपड़े धुल करके प्रेस होकर के आते थे तब इनके परिवार के लोग कपड़े पहनते थे। उत्तर प्रदेश रायबरेली और हिंदुस्तान का धोबी इनका नहीं निकलागत, इनका धोबी भी अगर निकलागत तो विदेशी, नौवा भी निकलागत तो विदेशी, खाना भी निकलागत तो विदेशी, पीना भी निकलागत तो विदेशी। सम्मानित साथियों, कुछ बचा नहीं जो इनका देश का हो। देश के बाहर जाएंगे सम्मानित साथियों, देश के बाहर जाएंगे तो देश की बुराई करेंगे और विदेश की तारीफ करेंगे। वायनाड जाएंगे तो अमेठी और रायबरेली उत्तर प्रदेश की बुराई करेंगे, वायनाड बहुत अच्छा है,